अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू के लच्छेदार पकोड़े। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। मैंने 3 आलू के छिलके निकाल कर रख दी हूँ। सबसे पहले हम आलू को कट करेंगे। अभी मैं आलू को ऐसा सब जमा लूँगी और फिर ऐसे रखकर इसके बारीक बारीक टुकड़े करूंगी। इसी तरह हमें आलू काट कर लेना है। मैंने सारे आलू को कट करके एक बाउल में ली हूँ। इसमें डालूंगी 1 बारीक कटा हुआ प्याज। अभी इसमें डालूंगी मैं 1 बाटी बेसन, 4 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई कोथमीर, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अक्खी धनिया, उसको मैं हाथों से मसल लूंगी तो इसमें डालूंगी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चुटकी खाने का सोडा, नमक स्वाद के हिसाब से। अभी इसको मैं हाथों से अच्छे से मिक्स करूंगी। अभी इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं हल्का सा पानी लूंगी और इसे वापस से अच्छे से मिक्स करूंगी। हमें ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई में तेल डालकर पहले से गरम करने के लिए रख दी थी। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें पकोड़े तलेंगे। देखिए सारे पकोड़े डालकर हो चुके हैं, अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। पकोड़ों को हम चारों तरफ से लाल होने तक के तलेंगे। देखिए माशाल्लाह पकोड़े सब तरफ से लाल हो चुके हैं, अब हम इसे निकालेंगे। इसी तरह हम सारे पकोड़ों को तल लेंगे। माशाल्लाह आलू के लच्छेदार पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना आलू लच्छे पकोड़े कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।